हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रंजना रमन ब्लॉग्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिमीकंद की सब्जी की। अगर बिहार के लैंग्वेज में बोलूँ तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ओल की सब्जी बिहार में कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है बिहारी स्टाइल में फुल। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ओल की सब्जी कैसे बनाते हैं बिहार में। तो आप लोग देख सकते हैं आज मैं इसी की सब्जी बनाने वाली हूँ, जिमीकंद ओल की। और फ्रेंड्स, ये देहाती ओल है, इसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। मतलब आप जब इसकी सब्जी खाते हैं तो ये गले में बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आज हम इसे अलग तरीके से बनाएंगे, जिससे खाने के बाद हमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं महसूस होगी, फुल बिहारी स्टाइल में। तो अब मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। आपको जिस साइज़ का कट करना हो उस हिसाब से आप कट कर ले। और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे बॉयल करेंगे, इसलिए मैंने बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है और अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें जिमीकंद ओल डाल दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसे बॉयल कर भी हम अलग तरीके से करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास 4-5 नींबू के पत्ते और 4-5 अमरूद के पत्ते हैं। फ्रेंड्स, बिहार में जब ये जिमीकंद कड़वाहट वाली देहाती ओल की सब्ज़ी बनती है तो लोग इसे बॉयल करने के लिए उसमें अमरूद और नींबू का पत्ता डालते हैं, पत्ता डाल के बॉयल करते हैं, जिसकी वजह से इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जिमीकंद ओल की, ये बिल्कुल गले में नहीं लगता। और अब हम इसे ढक देंगे किसी चीज़ से और 2-3 मिनट तक इसे पकने देंगे अच्छे से। और आप देख सकते हैं अच्छे से बॉयल हो गया है, अच्छे से पक गया हुआ है। अब आप देख सकते हैं मैंने अलग से इसे बर्तन में निकाल लिया हुआ है और ये अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर जितने भी पत्ते हैं जो बॉयल हो चुके हैं ओल के साथ, हम इसे अलग से बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इससे एक फ़ायदा होता है नींबू के पत्ते और अमरूद के पत्ते डाल के बॉयल करने से, कि ओल के अंदर जितनी भी कड़वाहट रहती है वो ख़त्म हो जाती है और वो हमारे गले में नहीं लगता है, और तब और ज़्यादा टेस्टी लगता है इनफैक्ट खाने में। और अब आप देख सकते हैं मैंने मसाले यहाँ पे तैयार करके रखे हैं। ये मैंने सरसों का पेस्ट बनाया है फ्रेंड्स, पीला वाला जो सरसों आता है उसका पेस्ट है, और ये लहसुन और प्याज का पेस्ट है। इसमें मैंने एक प्याज और एक लहसुन की पूरी कली डाली है। और अब आप देख सकते हैं हमने जो अलग से ओल निकाला था उसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच मिर्ची डाली है। स्वाद अनुसार आप जितना नमक खाते उतना नमक डाल ले। और अब हम इसमें लहसुन और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें से लगभग 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैंने वो पेस्ट डाला है लहसुन और प्याज का। और अब सब सारे मसाले डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिला लिया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची और लहसुन प्याज का थोड़ा सा पेस्ट डाला है बस, और उसे मिला लिया है अच्छे से। और इसमें मैं थोड़ा सा नींबू भी डाल रही हूँ, नींबू से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और कड़वाहट नहीं रहेगी। अब तेल गर्म हो चुका है, अब एक एक करके हम इसमें ओल डालेंगे, जिमीकंद को डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे फुल गोल्डन होने तक। आप लगभग 4 से 5 इसमें तेल में डाल लें और इसे अच्छे से फ्राई करें। और अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया है, ये पूरा गोल्डन लग रहा है, इतना सुनहरा लग रहा है देखने में, कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं मैंने साढ़े जिमीकंद ओल को अच्छे से फ्राई करके अलग से बर्तन में निकाल लिया है। और अब जिमीकंद ओल को फ्राई करने के बाद मैंने फिर से अलग से कढ़ाई में तेल निकाल लिया है सब्जी बनाने के लिए। मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। और यहाँ पर लगभग मैंने 2 प्याज को अच्छे से कट कर लिया है। और अब मैं कढ़ाई में जीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा, 1 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और 2 तेज़ पत्ते डाले हैं मैंने, और हमने जो 2 प्याज कट किया है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और आप इसे अच्छे से भूने पूरा गोल्डन होने तक। और अब प्याज पूरा गोल्डन हो चुका है अच्छे से, अब इसमें हम मसाला डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो सरसों का पेस्ट बनाया था वो सरसों का पेस्ट में डाल देंगे पूरा, और फिर लहसुन और प्याज का जो पेस्ट था वो भी हम इसमें पूरा डाल देंगे और इसे अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे।
उसके बाद मसाले डालेंगे। पहले इसे हम अच्छे से भून लें। और यहाँ पे लहसुन की पेस्ट वाली जो कटोरी थी उसमें मैं एक चम्मच धनिया निकाल रही हूँ। मैंने एक चम्मच के आसपास मिर्ची डाली है, आप जितना मिर्ची खाते हैं उस हिसाब से मिर्ची डाल लें। मैंने इसमें एक से डेढ़ चम्मच हल्दी डाला है और अब मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी इसमें। आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं नमक। तो इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्ची डाला है बस, और कुछ नहीं डाला है क्योंकि हमारे पास पहले से ही सरसों और लहसुन का पेस्ट है। अब हमने जो कटोरी में अलग से मसाले निकाले थे हल्दी, नमक, मिर्ची, वो इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें डाल दिया है सारा मसाला, आप देख सकते हैं। और सरसों और लहसुन का जो पेस्ट था वो भी अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अब थोड़ी देर कवर करने के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया था एंड आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है, ये पूरा तैयार हो गया था। अब मैं इसमें पानी डालने वाली हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें कितना पानी डाला है। आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, मैंने लगभग इसमें 3 से 4 गिलास पानी डाला है छोटे गिलास से। और अब मैं इसे अच्छे से बॉईल होने दूंगी थोड़ी देर कवर करके। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें ओल जिमीकंद डाल देंगे। अब ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, अब देख सकते हैं। अब हम इसमें जिमीकंद को डाल देंगे, जिमीकंद ओल जो है उसे हम इसमें डाल देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें जिमीकंद और ओल डाल दिया है। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ी देर और इसे मैं धीमी आंच पे बॉईल होने दूंगी अच्छे से। और आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, अच्छे से पक गया है। ये आपको जिस टाइप की ग्रेवी पसंद हो उस टाइप से आप ग्रेवी रख सकते हैं इसमें। और ये सब्जी अब बन के तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और अब सब्जी का गैस मैंने बंद कर दिया है। और बंद करने के बाद मैंने लगभग आधा नींबू इसमें फिर से डाला है। इसमें खट्टा ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, नहीं तो ये गले में बहुत ज़्यादा लगता है। देहाती हो उनकी सब्ज़ी गले में बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए आप जितना खट्टा डाल के बनाएंगे उतना टेस्टी बनता है और आपके गले में बिल्कुल नहीं लगेगा। और अब आप देख सकते हैं सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी सा टेस्टी सा लग रहा है देखने में। तो आप सोच सकते हैं खाने में कितना होगा। और अब मैं यहाँ पे पापा के लिए खाना निकाल रही थी, मैंने उनका खाना निकाल दिया है। पापा सब्जी कैसा बना है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा? हाँ, जो सब ढाबा में खाते हैं वैसे ही है। ढाबा स्टाइल में है। चलिए ठीक फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की रेसिपी की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को जिमीकंद ओल का सब्जी कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएं और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए। थैंक यू।